और किसी भी इंटरव्यू में आप चाहे जा रहे हैं किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बुक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मरीन वेल्स के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह रानावत, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन सी 5 किताबें हैं जो कि आपका मरीन इंजीनियरिंग का नॉलेज इस लेवल से लेकर इस लेवल तक ले जाएगी। दोस्तों, ये 5 किताबें अगर आपने पढ़ ली तो चाहे दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता, आप अभी कैडेट हैं या फिर आप ऑलरेडी एक हायर रैंक पे हैं अपने सेलिंग पीरियड में, ये किताबें आपका मरीन इंजीनियरिंग का नॉलेज एक बार रिफ्रेश तो ज़रूर ही कर देंगी। और अगर आपके अंदर ऑलरेडी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है मरीन इंजीनियरिंग का और अगर आप पाना चाहते हैं ये नॉलेज, तो दोस्तों ये बुक से बेहतर आपके लिए और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप बेस्ट बुक्स हमको बताइए हर सब्जेक्ट में, माइस, मैम, इलेक्ट्रिकल, शिप कंस्ट्रक्शन, जितने भी एक मरीन इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट होते हैं, आप हर एस्पेक्ट में हमको एक दो अच्छी अच्छी बुक्स बता दीजिए जो कि पढ़ के हमारा बहुत ही नॉलेज जो है वो एक अलग लेवल पे चला जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपके सामने 5 किताबें लेकर आया हूँ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपका मरीन इंजीनियरिंग का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे ले जाने वाली है। तो दोस्तों, पहला सब्जेक्ट है माइस, मरीन इंटरनल कंबशन इंजन। इस सब्जेक्ट में दोस्तों हम डील करते हैं मेन इंजन से रिलेटेड जो कुछ भी होता है, मेन इंजन स्टार्ट कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट का क्या काम होता है, किस तरीके से कौन सा पार्ट काम करता है, हर एक चीज़ मेन इंजन से रिलेटेड हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। और दोस्तों, इस सब्जेक्ट की जो सबसे बेहतरीन बुक मुझे जो लगती है वो दोस्तों प्रेजेंट करने से पहले आपके सामने, मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑनर होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों ये जो बुक है मरीन इंजीनियरिंग की, ये लिखी गई है एक इंडियन ऑथर के द्वारा लिखी गई है। और हालांकि दो बुक्स हैं, दोनों बुक्स दोस्तों इंडियन ऑथर के द्वारा लिखी गई है। मोस्टली मर्चेंट नेवी में जितनी भी बुक्स होती है मरीन इंजीनियरिंग की, वो मैक्सिमम बुक्स दोस्तों होती है एक फॉरेन ऑथर के द्वारा लिखी हुई है। आप चाहे जितनी भी मैक्सिमम बुक्स ले लें, सारी एक फॉरेन ऑथर के द्वारा लिखी गई है, किसी न किसी फॉरेन ऑथर के द्वारा। लेकिन इस बेस्ट बुक्स की लिस्ट में दोस्तों, जब मैं किसी एक इंडियन ऑथर की बुक आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऑफकोर्स ये गर्व की बात है। तो दोस्तों, जो मरीन इंजीनियरिंग माइस की दोस्तों जो मैं दो बेस्ट बुक्स जो मुझे लगती है वो आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। नंबर 1 बुक है दोस्तों माइस की डी के सानियाल, और नंबर 2 बुक है देविन अरनहा। ये दोनों इन बुक्स के ऑथर हैं, माइस की बुक्स है। अगर आपने ये दोनों बुक्स पढ़ ली या फिर इन दोनों में से कोई एक भी बुक पढ़ ली, तो आपका मरीन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में माइस का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके जितने भी डाउट्स हैं हर एक डाउट इस सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर बुक से, एनी बुक, देविन अरनहा और डी के सानियाल। अगला दोस्तों सब्जेक्ट आता है मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज, और ऑल्सो कॉल्ड एज मैम इन शॉर्ट। तो दोस्तों, मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज में हम वो सारी मशीनरीज के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक इंजन रूम में प्रेजेंट होती है। अब दोस्तों, इंजन रूम में बहुत सारी मशीनें प्रेजेंट होती है, 100 से ज़्यादा मशीनें प्रेजेंट होती है, बहुत सारे एयर कॉम्प्रेसर्स, प्यूरीफायर, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी मशीनरीज होती हैं एक इंजन रूम में। और इन सारी मशीनरीज के बारे में नॉलेज होना भी एक मरीन इंजीनियर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छे से इन मशीनरीज पर काम कर पाएंगे, अगर आपको इन मशीनरीज का अच्छे से नॉलेज है। तो इन मशीनरीज का नॉलेज पाने के लिए हम इस सब्जेक्ट की तरफ मोड़ करते हैं, मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज। और दोस्तों, मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज की जो सबसे बेहतरीन बुक मुझे लगी वो है दोस्तों 2nd edition ऑफ इंट्रोडक्शन टू मरीन इंजीनियरिंग बाय डी ए टेलर। दोस्तों, अगर आपने एक बार ये बुक पढ़ ली तो आपके मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज के जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाने वाले हैं। दोस्तों, मुझे एक पर्सनल चीज़ जो लगी है कि इस बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, और अगर आप एक बहुत ही बिगिनर लेवल पे हैं इस टाइम, तो इस बुक को समझना शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो कुछ कुछ जगहों पर। तो दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं तो ऑलवेज ये बेहतरीन आइडिया है कि अगर आप अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है किसी भी मशीनरी के रिलेटेड, अगर आप वो पहले से सॉल्व कर लें, और एक्स्ट्रा आप नॉलेज के लिए, इन डेप्थ नॉलेज के लिए अगर आप इस बुक की तरफ मोड़ करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, बजाय कि आप डायरेक्टली इस बुक की तरफ आ जाएं, क्योंकि आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बुक की लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल है, वो इसमें आप थोड़ा सा गौर फरमाइए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं या फिर अगर आपका बेसिक मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज का नॉलेज क्लियर है कि हाँ भाई इस मशीनरी का ये काम होता है, इस मशीनरी का ये काम होता है, तो आप ज़रूर इस बुक को रेफर कीजिए, आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ब्रशअप होने वाला है, आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है मरीन ऑक्सिलियरी मशीनरीज के बारे में। दोस्तों, तीसरी बुक आती है बॉयलर के बारे में। दोस्तों, बॉयलर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मशीनरी होती है, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है ऑनबोर्ड शिप। ये स्टीम प्रोड्यूस करने के काम आता है, जनरली पानी से स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्टीम बहुत ही ज़्यादा अलग अलग पर्पजेज़ के लिए यूज होती है ऑनबोर्ड शिप। तो इस
पर्पज के लिए होता है बॉयलर, और बॉयलर की हम स्टडी करते हैं दोस्तों इस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट का नाम ऑल्सो भी है बॉयलर। अब दोस्तों इस सब्जेक्ट की जो सबसे बेहतरीन बुक मुझे लगी वो है जी टी फ्लैनेगन ऑथर का नाम है दोस्तों। ये बुक अगर आपने एक बार पढ़ ली बॉयलर की तो आपका बॉयलर का नॉलेज बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाने वाला है। मैटर नहीं करता दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आप ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, अगर आपने एक बार ये बुक पढ़ ली तो दोस्तों आपका मरीन बॉयलर का जो नॉलेज है टोटल वो आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाने वाला है। आपको बॉयलर के बारे में सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लग जाने वाली है, किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाने वाला है इस बुक के द्वारा। तो ज़रूर अगर आप बॉयलर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस बुक की तरफ मोड़ कीजिए, नाम है जी टी फ्लैनेगन। दोस्तों जो चौथी बुक मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा वो है दोस्तों, अगर आप एक कैडेट हैं इस वक्त जो कि आप मरीन इंजीनियरिंग के कैडेट हैं और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपके इंटरव्यूज के लिए और अगर आप किसी इंटरव्यू में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसी कोई बुक फिलहाल इंडिया में है नहीं जो कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सके, मरीन इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के सवाल और जवाब बता सके जो कि अक्रॉस द कंट्री पूछे जाते हैं मैक्सिमम इंटरव्यूज में। इसी वजह से दोस्तों ये बुक लेकर आए गए हैं और इस बुक के ऑथर आपके सामने बैठे हैं। तो दोस्तों इस बुक का नाम है बेसिक मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, और ऑल्सो एक और इसका एडवांस वर्जन है जिसको हम कहते हैं कि एडवांस मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। दोस्तों ये सेट है वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू, अगर आपने ये दोनों पढ़ ली और अगर आप कैडेट हैं एक मरीन इंजीनियरिंग के तो दोस्तों आपका नॉलेज लेवल अलग लेवल पे चला जाएगा, आपका जो नॉलेज है वो अलग लेवल पे चला जाएगा और किसी भी इंटरव्यू में आप चाहे जा रहे हैं किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बुक लिखने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई, बहुत ज़्यादा प्लेस लोगों से अक्रॉस द कंट्री हमने बात की, कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और उसके बाद हमने ये बुक्स लिखी हैं। तो अगर आपने ये बुक पढ़ ली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, और लेकिन अगर ऑफकोर्स आप इस समय सेलिंग कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की नहीं होगी। ये बुक काम की है जो एक कैडेट है जो मर्चेंट नेवी के एक इंस्टीट्यूट में फिलहाल पढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। और दोस्तों आखिर में मैं नंबर 5 पे बुक को रखूँगा, शिप कंस्ट्रक्शन की बुक है बाय डीजे आयरिस। दोस्तों अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो आपका जो शिप कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ही अच्छे से ये बुक को लिखी गई है, फ्रॉम द बेसिक लिखी गई है। अगर आप एक कैडेट भी हैं जो कि अभी एक इनिशियल लेवल पे हैं अपने नॉलेज गेनिंग के तो दोस्तों फिर भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और आपको एक अच्छा नॉलेज डिवेलप हो सकता है। अगेन इस बुक में भी मुझे कहीं कहीं पर लगा डीजे टेलर वाली बुक की तरह कि कहीं कहीं पर लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है इस बुक की, लेकिन अगर आप एक इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है प्लस आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी अच्छी है कि अगर आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर पाएँ तो दोस्तों ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है, क्योंकि हर एक जगह पर हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की गई, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा वहाँ पे ये चीज़ बोली थी, ये चीज़ ऐसे कनेक्ट होती है, तब आपको समझ में आएगा। हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन नहीं की गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से ये बुक फिर भी लिखी गई है और आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है शिप कंस्ट्रक्शन का नॉलेज बढ़ाने में। तो दोस्तों ये थी 5 किताबें आपके लिए, 5 रिकमेंडेशन किसी भी मरीन इंजीनियर के लिए, आपका ये नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, आपको इंटरव्यू में प्लेस्ड होने में हेल्प करेगी, आपको शिप पे काम करने में ये किताबें हेल्प करेंगी। दोस्तों ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर आप किसी और किताब के बारे में जानना चाहते हैं, हम बहुत ही खुश होंगे उन किताबों को भी आपके सामने लेकर आने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मैं हूँ आपका दोस्त जयवर्धन सिंह रानावत, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले।